सुबह 4:59 में दूरदर्शन बंद तेज। सुबह 5 बजे UGC प्रोग्राम। शुरू में विशेष रूप से डिजाइन किए गए शैक्षिक टेलीविजन कार्यक्रम जो विदेशों से आयातित होते थे या देश भर के विभिन्न विश्वविद्यालयों में UGC द्वारा स्थापित मीडिया केंद्र पर स्थानीय रूप से उत्पादित होते थे। देश के सबसे बड़े सार्वजनिक टेलीविजन नेटवर्क जिसे UGC कहा जाता था दूरदर्शन पर प्रसारित किए जाते थे देश भर में। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC 28 दिसंबर 1953 को अस्तित्व में आया और विश्वविद्यालय में शिक्षण परीक्षा और अनुसंधान के मानकों के समन्वय निर्धारण और रखरखाव के लिए 1956 में संसद के एक अधिनियम द्वारा भारत सरकार का एक वैधानिक संगठन बन गया शिक्षा। सुबह 6 बजे आराधना भक्ति संगीत भक्ति गीत संगीत कार्यक्रम आराधना जिसमें बॉलीवुड गायक भजन गाते थे। हरिहरन, सोनू निगम, अनुराधा परवाल, हरिहरन ये बॉलीवुड गायक भी भजन गाते थे। सुबह 7 बजे दूरदर्शन का हिंदी समाचार नियमित दैनिक प्रसारण 1965 में ऑल इंडिया रेडियो के एक भाग के रूप में शुरू हुआ जिसमें प्रतिमा पुरी द्वारा 5 मिनट का समाचार बुलेटिन पढ़ा जाता था। सुबह 7:15 में रंगली रंगली एक भारतीय संगीत टेलीविजन श्रृंखला है जो हर रविवार सुबह डीडी नेशनल पर प्रसारित होती है। इस सब का शब्दिक अर्ट रंगों की सजावट है। ये शो दूरदर्शन द्वारा निर्मित है। कुछ सीजन क्रिएटिव आई लिमिटेड द्वारा भी निर्मित किए गए थे। सुबह 9 बजे शक्तिमान कैप्टन ब्योम 1998 में डीडी नेशनल पर प्रसारित एक भारतीय टेलीविजन श्रृंखला है। इसका निर्देशन केतन मेहता ने किया था और इसमें मिलिंद सुमन ने अभिनय किया था। इसमें 54 एपिसोड थे। सुबह 10:30 में स्कूल देश। आज से कुछ साल पहले तक हम सभी के मनोरंजन का जरिया दूरदर्शन था। 90s में दूरदर्शन पर तरह तरह के सीरियल्स देखने को मिलते थे। दूरदर्शन पर आने वाले इन सीरियल से न सिर्फ हमारा एंटरटेनमेंट होता था बल्कि हमें बहुत कुछ सीखने को भी मिलता। फिर चाहे वो जानकारी सामाजिक मुद्दों से जुड़ी हुई हो या धर्म और शिक्षा के बारे में हो, मतलब 90 के दौर में दूरदर्शन पर अनगिनत धारावाहिक आते थे जो कि बेहतरीन भी होते थे। उस समय सोर्स सिर्फ लोगों के मनोरंजन के लिए ही नहीं बल्कि उन्हें शिक्षित करने के हिसाब से भी बनाए जाते थे। इस दौरान एक ऐसा सीरियल आया जिसने युवाओं का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। नाम है स्कूल देश। स्कूल देश का निर्माण दिलीप सूद ने किया था जो बेहद खूबसूरत सीरियल था। अगर दिमाग में इस शो का यादें थोड़ी धुंधली पड़ गई है तो इसके बारे में जानने से पहले ये वीडियो देखिए। दिलीप सूद की ये सीरीज स्कूली बच्चों के इर्गिर्द थी इसलिए इसे टीनेजर्स का खूब प्यार मिला। शो देखकर हम खुद स्कूल लाइफ को फील कर पाते थे। लड़कियों का घुटने से ऊपर स्कर्ट पहनकर मस्ती करना, लड़कों की शरारतें, वो सब देखना काफ़ी दिलचस्प था। इसके अलावा शो में दोस्ती, प्यार और क्रश के बारे में भी खूब दिखाया जाता था इसलिए लोगों ने इसे देखने में और दिलचस्पी ली। उस टाइम हम कुछ एफर्ट कर पाए या ना कर पाए पर ये शो मिस करना बिल्कुल एफर्ट नहीं कर सकते थे। पढ़ाई लिखाई, मस्ती और प्यार के अलावा स्कूल देश में भारतीय सभ्यता के बारे में भी दिखाया जाता था। शो को देखकर बदलते ज़माने का अंदाज़ा लगाया जा सकता था।
दिलीप सूट के इस शो में ड्रामा कम और रियलिटी ज़्यादा थी, इसलिए ये दीदी के पॉपुलर शो में जगह बनाने में कामयाब रहा। सुबह 11 बजे विलायती बाबू टीवी सीरियल शेखर सुमन, सुधीर पांडे, फरहा, यास तोक प्रमुख भूमिका में थे। पहले शनिवार रात को 8 बजे प्रसारित किया जाता था, लेकिन बाद में रविवार सुबह 11 बजे नेशनल टेलीविजन पर प्रसारित किया गया था। मैं परदेश से आया पर मैं बुलाईती बाबू, रे मैं ताऊ तेरा मुझ पे अपने देश का जादू, तेरे परदेश की तो 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 तन्ने देख लूंगा मैं, देख लेना मैं बुलाईती बाबू, बुलाईती बाबू, बुलाईती बाबू, बुलाईती बाबू, बुलाईती बाबू, बुलाईती बाबू। अरे आग लगे फांस लगे ऐसे परदेश को मुझको भुला दे जो धूप छाव गांव की, हॉलीवुड या भी तो बॉलीवुड माइकल जैक्सन और माइक टाइसन जैसे सन है वहाँ। अरे सन मारी इंडिया के टन अटन फौजी है कम नहीं किसी से, यहाँ यू डोंट नो वहाँ की छोरिया देखेगा तो भूलेगा गाँव की गोरिया, उनमें लाज न शर्म न तियागना सबसे ग्रेट मारे गाँव की गोरिया। ताऊ सुन क्या रे, देख रहा अरे ताऊ देख रहा रॉक एंड रोल, और मन हरियाणा की जो रागनी सुना दी तने फट जाएंगे तेरे ढोल, तेरे परदेश की तो क्या तो क्या तो क्या तने देख लूंगा मैं, देख ले ना मैं बाबू बाबू। सुबह 11:30 में पिकनिक अंताक्षरी, इसमें संजीवनी भिलांदे ने सचिन पिलगांवकर के साथ दूरदर्शन टीवी धारावाहिक पिकनिक अंताक्षरी की सही मेजबानी भी की। बैठे बैठे क्या करें, करना है कुछ काम, शुरू करो अंताक्षरी लेके प्रभु का नाम, अंताक्षरी 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 अंताक्षरी। Hello and good morning. You're watching Doordarshan News and this is the news for hearing impaired. I am Nancy Kohli and with me is Sonu. दोपहर 1 बजे रीजनल फीचर फिल्म, शाम 4 बजे हिंदी फीचर फिल्म, शाम 7 बजे दूरदर्शन का हिंदी समाचार। नियमित दैनिक प्रसारण 1965 में ऑल इंडिया रेडियो के एक भाग के रूप में शुरू हुआ, जिसमें प्रतिमा पुरी द्वारा 5 मिनट का समाचार बुलेटिन पढ़ा जाता था। रात 8 बजे सुरभि खुशबू एक भारतीय सांस्कृतिक पत्रिका शो है, जिसे रेणुका चौहान और सिद्धार्थ काक द्वारा होस्ट किया जाता है।